आजकल दिल से लिखने का शौक जगा है, यहाँ पे तो सब पराए कौन सगा है। फिर से प्यार करने से डर से गया हूँ, जब से इश्क का ये रोग लगा है। वेल, अभिषेक कुमार की ये शायरी आज पोस्ट हुई है उनकी सोशल मीडिया अकाउंट पर, जहाँ पर पब्लिक का कहना है कि ये शायरी हो किसके लिए सकती है, क्या ये ईशा के लिए है या फिर खानजादे के लिए है या फिर उनके कोई नए प्रोजेक्ट की, ये कुछ डिटेल्स है। जहाँ दोस्तों आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसा है क्यों। जहाँ बात है अभिषेक कुमार की, वहीं जब वो डांस दीवाने के सेट पर गए थे तो बार बार ईशा मालविया का जिक्र करते नजर आए, जहाँ पर उन्होंने अपनी एक्स तक कहा। वहीं पर अभिषेक कुमार को इस तरह ईशा को याद करते देख कुछ फैंस ने तो ये लिख डाला कि अभिषेक अभी तक ईशा को भूल नहीं पाए हैं। वहीं कुछ का कहना है कि खानजादे ने अभिषेक को ईशा की वजह से छोड़ दिया है। फैंस का तो कहना यही है, लेकिन अभिषेक की ये शायरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जहां पर कुछ दिनों पहले भी उन्होंने कुछ ऐसा ही पोस्ट किया था, लेकिन आज का उनका ये पोस्ट फैंस को गेस करने पर मजबूर कर रही है कि आखिर ये है क्या। दरअसल बात ये है कि ये उनके नए प्रोजेक्ट के कुछ डिटेल्स हैं, जहाँ पर उनका नया प्रोजेक्ट तो आने ही वाला है। लगता है अभिषेक नए प्रोजेक्ट की अभी से ही प्रमोशन करते नजर आ रहे हैं। जहाँ पर ईशा मालविया के साथ उनका इक्वेशन तो कुछ ऐसा ही था कि शायरी इसको देखकर लगे कि ये अभिषेक ईशा के लिए ही लिख रहे हैं। लेकिन आपकी क्या राय है, क्या ये शायरी किसी कंटेस्टेंट के लिए है जिनसे वो करते थे मोहब्बत? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।